बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन, शाम की चाय की आज की नशिस्त में हम आपके लिए अनवार सिद्दीकी साहब की लिखी हुई एक पुरेसरार दास्तान अनका, इसकी किस्त नंबर 23 के साथ हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। अभी मैं नरगिस की याद में आंसू बहा ही रहा था कि पहरे पर मौजूद संतरी अटेंशन हो गए। मैंने राहदारी में नज़र डाली, एसपी मेहता चमड़े की एक बैद लिए हवालात के दरवाजे की सिम आ रहा था। मेहता ने आहनी सलाखों के करीब पहुंचकर सर की जुम्बश से संतरियों के सलाम का जवाब दिया, फिर भारी गरजदार आवाज़ में इंचार्ज से पूछा, इस मरदूद को होश आ गया? 15 मिनट पहले मैंने राउंड लिया था, इस वक्त तक ये बेहोश ही था सर, इंचार्ज ने झूठ बोलने की कोशिश की। मेहता के इशारे पर हवालात का दरवाज़ा खोला गया और बाहर से बत्ती रोशन कर दी गई। अंधेरे के बाद अचानक तेज़ रोशनी हुई तो मैंने जल्दी से आंखें बंद कर ली। भारी कदमों की आहटें मेरे करीब आकर थम गईं। अनका के आ जाने से मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था, इसलिए मैंने फौरन ही दोबारा आंखें खोल दीं। एसपी ने मुझे होश में देखा तो नफ़रत के लहजे में मुखातिब हुआ, अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? क्या मुझे मज़ीद सख्ती पर मजबूर करोगे? मेहता जी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया, तुम डिप्टी कमिश्नर के कहने पर क्यों अपना धर्म नष्ट करते हो? क्या तुम भगवान की सौगंध खाकर कह सकते हो कि तुम मुझे राजकुमार का कातिल समझ रहे हो? शहादतें वक्ती तौर पर छुपाई जा सकती हैं, लेकिन दुनिया का कोई कानून किसी को ज़बरदस्ती फांसी के तख्ते पर नहीं पहुंचा सकता। मेहता मेरा जवाब सुनकर चौंका, इसे मेरी बात पर यकीनन ताज्जुब हुआ था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो नफ़रत से बोला, किसकी शहादत की बात कर रहा है तू? मैं खूब समझता हूँ तूने 3rd डिग्री से बचने की खातिर बहकी बहकी बातें शुरू कर दी हैं। मैं इस खत की बात कर रहा हूँ मेहता जी, जो तुम्हें राजकुमार की जेब से मिला होगा। मैंने ये कह तो दिया था, लेकिन जल्द ही मुझे बात निभाना पड़ी। तुम्हारे मुखबरों ने यकीनन मुझे मौका वारदात पर देखा होगा, लेकिन उन्होंने तुम्हें ये ज़रूर बता दिया होगा कि राजकुमार ने खुदकुशी की थी। इसने वो खत मेरे सामने ही तहरीर किया था, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे इसके ख़तरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश करता, इसने रिवॉल्वर कनपटी पर रखकर लबलबी दुबा दी। कुलदीप भी इस बात की गवाह है। शट अप, मेहता हलक के बल चिल्लाया। इसके चेहरे पर एक साने के लिए उलझन उभरी, फिर गायब हो गई। वो गरज कर बोला, तू जो बकवास कर रहा है इसका कोई सबूत तेरे पास मौजूद नहीं है। मुझे मकतूल की जेब से कोई खत नहीं मिला। अच्छा, मैंने जहर खंद लहजे से कहा, तू डिप्टी कमिश्नर के रोब ने तुम्हें झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है? बकवास बंद कर, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। हवालात के इंचार्ज ने एसपी की खुशनूदी के लिए मुझे धमकी दी। ठीक इसी वक्त अनका मेरे सर से उतर गई। एसपी बदस्तूर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। देर तक वो कुछ सोचता रहा, फिर सर्द आवाज़ में बोला, मैं तुझे खुली अदालत में पेश करने की बजाय किसी वीराने में ले जाकर खामोशी से मौत के घाट उतार सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकोगे मेहता जी, डिप्टी कमिश्नर तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देगा, मैंने हकारत से कहा। मुझे फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए तुम्हें ज़बरदस्त झूठ का सहारा लेना होगा, तुम इसके लिए मजबूर हो। अगर सिर्फ मुझे मार डालना तुम्हारा मकसद होता तो तुम इस वक्त हवालात में मौजूद होने की बजाय किसी क्लब में बैठे रंग रलियाँ मना रहे होते। गोया तू सीधी तरह नहीं मानेगा, मेहता के हाथ कांपने लगे, वो किसी खून आशाम दरिंदे की तरह धाड़ा। मैं अब तुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि तू अदालत के सामने अपनी गंदी जुबान खोल सके। मैं ये महसूस किए बगैर न रह सका कि मेहता ने मुझे जो धमकी दी है वो इसे पूरी करने से भी दरेग नहीं करेगा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख अंगारा हो रहा था। इसने इंचार्ज की तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, प्रमोद, अब जो हिदायत दी जा रही है इसे तुम पूरी करोगे। इसने यकीनन और भी कत्ल किए हैं, वरना इस तरह चर्ब जुबानी न करता। यस सर, इंचार्ज घबराकर अटेंशन हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक्स, मेहता ने तहमकाना लहजे में कहा, जब तक ये अपना जहनी तवाजन न खो बैठे। इंचार्ज प्रमोद ने इस बार भी बड़ी फर्माबरदारी से इस्बात में सर हिलाया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसकी नज़रें बदल गईं और इसने मेहता को अजीब सी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। क्या आप मुझे तहरीरी हुक्म इनायत करेंगे सर? इंचार्ज ने कहा। नॉनसेंस, मेहता सरतापा लर्ज कर बोला, प्रमोद तुम इस वक्त एसपी मेहता से गुफ्तगू कर रहे हो। जानता हूँ सर, लेकिन तहरीरी हुक्म के बगैर मैं इतना खतरनाक कदम नहीं उठा सकूँगा, प्रमोद ने साफ गोई और कदरे बेपरवाही से जवाब दिया।
आपके तहरीरी अहकामात पर मैं इसका जिस्म धज्जियों में तब्दील करने के लिए भी तैयार हूं। गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहां से बाहर निकल जाओ, एसपी इतनी जोर से चिल्लाया कि हवालात में मौजूद सिपाही बौखलाकर दो कदम पीछे हट गए। मैं तुम्हें जूते मारकर मुलाजमत से बरतरफ करा दूंगा, तुम्हें इतनी जुर्रत कैसे हुई? मेहता होश में आओ, हवालात का इंचार्ज अचानक आपे से बाहर हो गया। होस्टर से अपना रिवॉल्वर निकालकर इसका रुख मेहता की सिमत करके कहने लगा, तुमने मेरे अमले के सामने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें इन सब की मौजूदगी में मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी अभी इसी वक्त, वरना मुलजिम की बजाय मैं तुम्हारा जिस्म छलनी कर दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते मेहता साहेब। ओ यू सन ऑफ ए बिच, मेहता के हाथों में दबी हुई बैद लहराकर भरपूर कुव्वत से प्रमोद के गाल पर पड़ी और एन इसी वक्त इसके रिवॉल्वर से दो धमाके हुए। गोली सही निशाने पर न लग सकी। एसपी के हाथ और पांव से खून निकला और वो चंद लम्हे के लिए किसी हजार रसीदा दरख्त की मानिंद वीरान होकर रह गया। फिर वो मुंह के बल फर्श पर घिरकर ढेर हो गया। ये सब कुछ इतनी बर्क रफ्तारी से हुआ कि हवालात में मौजूद सिपाहियों को कुछ सोचने और समझने का मौका न मिल सका। मुझे अंदाजा था कि एसपी मरा नहीं है बल्कि बेहोश हो गया है। रिवॉल्वर फेंककर प्रमोद ने सहमी हुई नजरों से सिपाहियों को देखा और फिर झुककर मेहता के जिस्म का मुआयना करने लगा। इसका चेहरा पसीने से शराबूर हो रहा था, रंगत खौफ और दहशत के मारे जर्द पड़ चुकी थी। सिपाही दूर खड़े फटी फटी नजरों से सब कुछ देख रहे थे। कुछ तौकफ के बाद सिपाहियों में से एक ने एक कदम आगे बढ़कर प्रमोद से कहा, मुझे अफसोस है जनाब कि मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। तुम? लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? प्रमोद सरासीमा लहजे में बोला। इसका जवाब कानून देगा जनाब, फिलहाल आप खुद को हरासत में समझे, सिपाही ने उखड़ी हुई आवाज में जवाब दिया। फिर अपने साथियों को मुखातिब करते हुए बोला, तुम लोग ख्याल रखना, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को फोन करने जा रहा हूँ। सिपाही अभी बाहर की सिम पढ़ा ही था कि जो कुछ हुआ इसने मुझे भी हैरत में डाल दिया। दरवाजे के करीब खड़े एक सिपाही ने अचानक राइफल सीधी की और इस सिपाही के सर पर पूरी कुव्वत से संगीन मारी जो फोन करने जा रहा था। सिपाही पलक झपकते ही लहरा कर गिरा। वो कर्पनाक आवास में चीखता हुआ ऊंधे मुंह फर्श पर उलट गया। इसके बाद सिपाहियों में भी आपस में ठन गई। मैं भी हैरान ही हो रहा था कि अनका मेरे सर पर आ गई और बोली, जमील जितनी जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ से निकल चलो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैं आहिस्ता से उठा और छुपते छुपाते बाहर की तरफ कदम उठाने लगा। मैं अनका का ये करिश्मा पहले भी कई बार देख चुका था। अनका के सर पर आते ही नकाहत और दर्द की शिद्दत हैरतअंगेज तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। मैं एक दूसरे से दस्तोगिरेबान सिपाहियों के दरमियान से गुजरता हुआ हवालात से बाहर निकल गया। खुली सड़क पर आकर मैंने तेजी से अपने कोठी की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। रात की तारीकी ने मुझे अपने दामन में समेट रखा था। मैं सबसे पहले नरगिस की कब्र पर जाना चाहता था और इसकी कब्र पर फूल निछावर करना चाहता था, मगर मैं कुछ भी ना कर सका। अनका ने मुझे किसी बात का मौका नहीं दिया। इसने कहा कि अगर इस वक्त इस इलाके में देर लगाई तो दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है। चुनाचे मैं नरगिस को इस वीरान कब्रिस्तान में तन्हा छोड़कर अलहदा ही रवाना हो गया और अपने घर पहुंच गया। मैंने जल्दी जल्दी नकदी जेवरात नरगिस के कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान बांधा, बाहर आकर गैराज से गाड़ी निकाली और इसे बर्क रफ्तारी से वीरान ढलवान की तरफ दौड़ाने लगा। मैं एक हाथ से ड्राइविंग में खासा मशाक हो गया था। सुबह होने से पहले मैं कानून की गिरफ्त से दूर निकल जाना चाहता था। अनका मेरे सर पर बैठी किसी गहरी सोच में गर्क थी। कुछ देर तक मैंने इससे कोई बात नहीं की। बद्री नारायण के सिलसिले में इसने अपनी बेबसी का इजहार करके मुझे बरगश्ता कर दिया था। वो इस शख्स को सजा देने में नाकाम रही जो मेरी नरगिस का कातिल था। वो कुछ देर खामोश रही। गाड़ी की रफ्तार हर लम्हे तेज से तेज तर होती जा रही थी। गो एक हाथ से बर्क रफ्तारी का मुजाहरा मेरे लिए मखदूज था, लेकिन इस वक्त मैं हर किस्म का ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार था। पहाड़ी रास्तों और ढलवानों पर मैं किसी खौफ के बगैर तेज़ गाड़ी चला रहा था। रास्ते में ट्रकों और छोटी मोटी गाड़ियों से कई बार हादसा होते होते रह गया। जमील इतनी तेज़ न चलाओ, अनका ने कुछ सोचते हुए मुझे मुखातिब किया। तुम अपना सफ़र जारी रखो, मैं ज़रा डिप्टी कमिश्नर की खबर लेकर आती हूँ। इसके अलावा भी मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है ताकि अगर नरगिस और राजकुमार की मौत का मसला दोबारा खड़ा हो तो तुम पर कोई आँच ना आ सके। जाओ जहन्नम में जाओ, मैंने दिल बर्दाश्ता होकर जवाब दिया। अनका ने अजीब हसरत की नज़रों से मुझे देखा और बगैर कुछ कहे मेरे सर से उतर गई।
मैंने अपना सफ़र जारी रखा। रास्ते जाने पहचाने थे, मेरी नज़रें वीरान और सांप की तरह बल खाती सड़क पर जमी हुई थी, लेकिन जहन नरगिस की मौत के बारे में उलझ रहा था। मेरे जहन में बार बार बद्री का चेहरा घूम जाता और एक्सीलेटर पर मेरे पाँव का दबाव हर लम्हे बढ़ता जा रहा था। मैंने अमृतसर तक कार में सफ़र किया, फिर रेल के ज़रिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली के सफ़र के दौरान अनका दोबारा मेरे सर पर आ गई। इसने मुझे तफसील से बताया कि वो मेरे बचाव के सारे इंतजाम कर आई है, लेकिन मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं तो सिर्फ बद्री नारायण के बारे में सोच रहा था। मैं जितना आगे बढ़ रहा था, बद्री नारायण इसे भयानक इंतकाम और तमाम पंडित पिजारियों को जो भी मेरे रास्ते में आए चुन चुन कर ख़त्म करने का जज्बा पूरी शिद्दत से मुझ पर तारी था। अनका की बातें सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अनका ने मुझे इधर उधर की तफसीलात में उलझाना चाहा, लेकिन जब मैं कुछ ना बोला तो इसने कुलदीप का जिक्र छेड़ दिया। कुलदीप ने तुम्हारी खातिर बड़ी परेशानियों का मुकाबला किया है जमील, वो अपने वालदेन का घर छोड़ने पर आमादा हो गई और अब तुम्हारी तलाश में भटकती फिर रही है। इसने पुलिस वालों के सामने भी जुरतमंदाना बयान दिया था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। खामोश हो जाओ अनका, मैं झल्ला कर बोला। नरगिस की मौत के बाद अब किसी का जिक्र अच्छा मालूम नहीं होता। अब मेरे लिए ज़िंदगी बेमानी होकर रह गई है। अब मोहब्बत और इश्क का कोई जज्बा मुझे मुतासर नहीं कर सकता। मुझे अब किसी से कोई सरोकार नहीं। ऐसी बातें क्यों करती हो जिनका कोई मौका नहीं होता? अनका ने मुझे उदास नज़रों से देखा। वो इस वक्त भी ना जाने किस सोच में गर्क थी। कुछ तौकफ़ के बाद सरासीमगी से बोली, जमील मेरे मालिक, तुम नाराज़ हो मुझसे? मुझे परेशान न करो अनका, मैंने रूखे लहजे में जवाब दिया। तुम ये क्यों भूल रही हो कि जो कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोताही का कितना बड़ा दखल है? सुन लो, जब तक मैं बद्री नारायण का खून नहीं पी लेता, इस वक्त तक मुझे करार नहीं आएगा। जमील, मुझे भी नरगिस की जुदाई का इंतहाई सदमा है। अगर बद्री नारायण ने काली के मंदिर में पनाह ला ली होती तो इस वक्त वो तुम्हारे कदमों में पड़ा मौत की आखिरी हिचकियाँ ले रहा होता। बहरहाल अब वो अपने आप को ज़्यादा दिनों तक महफूज नहीं रख सकेगा। काली का मंदिर, मैंने मुस्तरब होकर कहा। तुम काली के मंदिर से एक पुरसरार कुवत होने के बावजूद खौफजदा हो, मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं इस नाबकार पंडित को देवी देवताओं के सामने भी मौत के घाट उतारने से दरेग नहीं करूँगा। मुझे देखना है कि दुनिया की कौन सी ताकत मुझे इस इरादे से बाज रखती है। मैं दुनिया के तमाम पंडितों पुजारियों को रोन डालूंगा, मैं इन मंदिरों को ढा दूंगा जो मेरे रास्ते की दीवार बनेंगे। अनका, आखिर तुम मेरे इश्ताल का अंदाज़ा क्यों नहीं कर रही हो? अनका ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर खामोश हो गई। वो मुझे खामोश करने में पहली बार बेबस नजर आई। हम दोनों ही गमजदा थे, हम दोनों को नरगिस से मोहब्बत थी, अनका भी इससे इश्क करती थी, इसका मुझे अंदाज़ा था। यही वजह थी कि इस वक्त हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मुतमिन नहीं कर पा रहा था। काश अनका का मेरी तरह कोई जिस्मानी वजूद होता तो हम दोनों गले मिलकर खूब रोते और अपना गम किसी कदर हल्का कर लेते। दिल्ली पहुंचकर मैंने गाड़ी तब्दील की और कलकत्ते के लिए रवाना हो गया। तमाम रास्ता खामोशी से गुजर गया। मैंने अनका से कोई बात न की और ना ही इसने मुझसे। अलबत्ता मैं देख रहा था कि जैसे जैसे मेरी मंजिल करीब आती जा रही है, अनका की परेशानी बढ़ती जा रही है। मैंने इसकी वजह दरियाफ्त नहीं की। कलकत्ते पहुंचकर मैंने एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा लेकर सामान रखा और इसी वक्त काली के मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब अनका की परेशानी शबाब पर पहुंच चुकी थी। वो मेरे सर पर इधर उधर टहल रही थी, कभी चलते चलते अचानक रुकती और मुझसे कुछ कहना चाहती, मगर होंठ चुबाकर रह जाती। देर तक इसकी यही कैफियत रही। फिर काली का मंदिर करीब आने लगा तो अनका ने परेशान लहजे में मुझे मुखातिब किया, जमील मेरी बात सुनो, काली के मंदिर में किसी खतरनाक इरादे से दाखिल होने वाले परेशानियों में गिर जाते हैं। मेरी बात सुनो, जो मैं कह रही हूँ इसे गौर से सुनो। जब तक बद्री नारायण मंदिर के अंदर है, तुम या मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें बद्री नारायण के बाहर आने का इंतजार करना होगा। मेरे सर पर खून सवार है अनका, तुम मुझे मंदिर में दाखिल होने से मत रोको। मैं अपने आपे में नहीं हूँ, मैंने अनका को डांटते हुए कहा। मगर जमील, तुम्हें सही बात बताना मेरा फर्ज है, तुम्हें अपना इरादा हर कीमत पर बदलना होगा। अनका के लहजे में तश्वीश थी। नरगिस के कातिल को जिंदा रहने दूँ, इस शख्स को जिंदा रहने दूँ जिसने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया है, मैंने झुंझलाते हुए कहा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पंडित पर जिंदगी हराम कर देने का फैसला कर चुका हूँ। नतीजे की मुझे परवाह नहीं है,
जब नरगिस ही ना रही तो फिर मुझे अपनी मौत का गम भी नहीं है। जज्बाती ना बनो जमील, तुम बहक रहे हो, उनका ने तेजी से कहा। अगर तुम इसी पागलपन में मर गए तो कुछ भी ना होगा, नरगिस की बेचैन रूह तुमसे शाकी रहेगी। जरा सुकून से काम लो, तुम्हें कोई और तदबीर इख्तियार करनी होगी। काली के मंदिर के किसी छोटे पुजारी को अपने एतमाद में लेकर बद्री नारायण को मंदिर की हदूद से बाहर बुलाया जा सकता है। इस कदर न बहको कि तुम खुद अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर लो। अनका, मैं बहक रहा हूँ। मैंने अनका की तरफ सवाली नज़रों से देखा और दृष्ट लहजे में जवाब दिया, अगर तुम खायफ हो तो मेरे सर से उतर जाओ, मुझे तुम्हारी भी परवाह नहीं है। मैं बद्री नारायण को सजा दिए बगैर एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकता। मैं मर जाऊंगा, चलो ये भी ठीक है। अनका ने मुझे मायूसी से देखा और बेबसी से गर्दन झटक दी। मैं मंदिर की सिमत कुछ सोचे समझे बगैर तेज तेज कदम उठाने लगा। जिस वक्त मैं मंदिर से 25 गज के फासले पर रह गया तो अनका ने एक बार फिर मुझे समझाने की कोशिश की, जमील मेरे मालिक, मेरी जान, मेरी बात मान लो। मंदिर की हदूद में दाखिल होकर तुम मुसीबतों का शिकार हो जाओगे। तुम्हें बद्री नारायण को मारने के लिए बड़ी होशियारी और दूरंदेशी से काम लेना होगा, जल्दबाजी सारा काम खराब कर देगी। मैंने अनका को देखा लेकिन इस बार इसने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। मैं खामोशी से कदम बढ़ाता रहा। काली के बड़े मंदिर के बाहर पंडितों और पुजारियों का हजूम ठाठे मार रहा था। मंदिर की घंटियों की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। जोगने और पुजारने बड़ी अकीदत और एहतराम से मंदिर से आ जा रही थी। मैंने अनका का चेहरा देखा जो धुआं धुआं हो रहा था। किसी शदीद जहनी उलझन ने इसका चेहरा वीरान कर रखा था। मैं मंदिर की सीढ़ियों के करीब पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुक गया। मान मेरी नज़र एक पुजारी पर पड़ी जो मंदिर से बाहर आ रहा था। इसके साथ दूसरे पुजारी भी थे, जो चेहरे बशर से वो कोई बड़ा पुजारी दिखाई देता था। पुजारी ने इसके करीब से गुजरते हुए डंडोत कर रही थी। मैंने कुछ सोचकर अनका से दरियाफ्त किया, ये मरदूत कौन है? इसका नाम बंसीलाल है, मंदिर का छोटा पुजारी, अनका तेजी से बोली। जमील, अगर तुम कोशिश करो तो इसके जरिए अपना काम कर सकते हो, बद्री नारायण इसकी बात मुश्किल से टाल सकेगा। मैं किसी भेड़िए की तरह छोटे पुजारी को घूर रहा था। मेरा जी चाह रहा था कि मंदिर की सारी इमारत जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दूं और तमाम पंडितों पुजारियों का कत्लेआम शुरू कर दूं। छोटा पुजारी दूसरे पुजारी और चेलों के साथ मेरे करीब से गुजरा। फिर मैंने इसे एक कुटिया में जाते हुए देखा जो सीढ़ियों के बाएं जानिब जरा हटकर बनी हुई थी और दूसरी झोंपड़ियों के मुकाबले में कदरे बड़ी थी। जमील, अनका ने सरगोशी में कहा, इस वक्त बंसीलाल अपनी कुटिया में तन्हा है, तुम जरा सी दूरंदेशी से काम लेकर इसे शीशे में उतार सकते हो। मुझे देखो, अगर तुमने सब्र तहम्मुल और अकलमंदी से काम लिया तो बंसीलाल तुम्हारे लिए बेहद कारामत साबित होगा, यूं भी वो बड़े नरम दिल का आदमी है। पंडित पुजारी और नेक इंसान, मैंने तंज किया। नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है, इनमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बंसी नेक आदमी है, अनका ने कहा। मैंने अनका को कोई जवाब नहीं दिया और घूमकर इस कुटिया की सिमत हो लिया जिसमें बंसीलाल गया था। अनका की इत्तला दुरुस्त निकली। जिस वक्त मैं कुटिया में दाखिल हुआ, बंसीलाल वहाँ तन्हा था और मर्द छाले पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। मुझे कुटिया में देखकर इसने इशारे से रुकने को कहा। फिर चंद लम्हों बाद मर्द छाले से उठकर मेरे करीब आया। तुम मुसलमान दिखाई देते हो, इधर कैसे आ निकले? अरे, तुम तो बड़े ब्याकल नजर आते हो, कहो क्या बात है बालक, तुम मेरी कुट्टी में किस कारण आए हो, बैठ जाओ। बंसीलाल, मैंने रूखी आवाज में इसे मुखातिब किया, काली के मंदिर में इस वक्त मेरी बीवी का कातिल मौजूद है, मैं चाहता हूं कि तुम इसे किसी तरह से बाहर ले आओ। अनका ने मुझे रोकने की कोशिश की। इसने मुझे समझाया कि बंसीलाल से मुझे इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे खुद पर काबू नहीं था। मैं अनका के मशवरे को नज़रअंदाज करता रहा। बंसीलाल हकीकतन नेक दिल वाक़िया हुआ था। कुछ देर तक वो मुझे समझाता रहा, फिर जब मैंने अपना लहजा ना बदला तो वो शाइस्तगी से बोला, बालिक, तुमने अभी तक मुझे इस अपराधी का नाम नहीं बताया जिसने तुम्हारी स्त्री को कत्ल किया है। इस कमीने का नाम बद्री नारायण है, मैंने हकारत और नफरत से जवाब दिया। बद्री नारायण? बंसीलाल ने चौंक कर कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि पंडित बद्री नारायण ही ने तुम्हारी स्त्री को मारा है? ये किस तरह हो सकता है? हाँ बंसीलाल, और अब मैं इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके और इसके नापाक खून से अपने सीने की आग ठंडी करने आया हूँ। बोलो, क्या तुम इसे मंदिर से बाहर ला सकते हो? धीरज से काम लो बालक, बंसीलाल ने कुछ सोचते हुए कहा। पंडित बद्री नारायण को क्षमा कर दो,
भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देवी देवता भी अन्याय को पसंद नहीं करते। अगर बद्री नारायण ने पाप किया है तो काली देवी इसे जरूर कष्ट देगी। देवी के बच्चे, मैं करख्त आवाज में बोला, मैं यहां तुझसे देवी देवताओं की बातें सुनने नहीं आया। मैं जो कुछ पूछ रहा हूं सीधी तरह इसका जवाब दे। तो इस नाबकार पंडित को मंदिर से बाहर ला सकता है या नहीं? बालिक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बंसीलाल ने कदरे बरहमी का मुजाहरा किया। जा, चला जा यहां से, तू पागल मालूम होता है, जा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अनका ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त मुझ पर खून सवार था। मैंने झपट कर बंसीलाल के नंगे पेट पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो बिलबिला उठा, और इससे पहले कि वो संभल पाता मैंने एक हाथ इसकी गुद्दी पर रसीद किया। हमला अचानक था, इसलिए बंसीलाल संभल नहीं सका और मुंह के बल जमीन पर आ गया। मैंने इसकी कनपट्टी पर एक भरपूर ठोकर मारी, फिर उछलकर इसकी पुश्त पर सवार हो गया। मैंने एक ही हाथ से झुककर मरगछाला के करीब रखी हुई पीतल की वजनी लुटिया उठाई और इतनी जोर से बंसीलाल के गुठे हुए सर पर मारी कि खून का फवारा उबल पड़ा। इसकी गर्दन ढलक गई, इसका जिस्म मेरे नीचे फड़क रहा था, लेकिन मैंने इस पर ही बस नहीं किया। इस वक्त तक पीतल की लुटिया से इसके सर पर जरबात लगाता रहा जब तक वो बेहाल होकर मुदाफियत ख़त्म न कर बैठा। जब मुझे यकीन हो गया कि बंसीलाल अब मौत के करीब है तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं चलते चलते इसके खून में लुथड़े हुए जिस्म को ठोकर मारकर आगे बढ़ा तो उनका तशवीशनाक लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। जमील, ये तुमने क्या कर दिया? रुक जाओ जमील, इस वक्त तुम पर खून सवार है। अगर पुजारियों को इल्म हो गया कि तुमने बंसीलाल को मार मार कर अधमुआ कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम भी दफा हो जाओ उनका, मजाक बहुत हो चुका, मैंने नफरत से कहा। अगर तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकती तो फिर मुझे तुम्हारे मशवरों और पुरसरार कुवतों की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक मैं बद्री नारायण से निमट नहीं लूँगा मुझे सुकून नहीं मिल सकता। मेरी नरगिस का कातिल मुझसे इस कदर करीब हो और मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? खबरदार जो अब तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। जमील, तुम दीवानगी की बातें कर रहे हो, तुम सचमुच पागल हो जाओगे। अनका के अंदाज में अब तलखी आ गई थी। फिर अचानक वो फैसला कुन आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रियायत की है, मगर याद रखो मैं तुम्हें इस वक्त कुटिया से बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम? मैं हकारत में इस लहजे में इससे मुखातिब हुआ, तुम मुझे रोकोगी? इतनी हिम्मत है तुम में? तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बाकायदा वजीफा किया है। मुझे मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए मजबूर हूँ। मेरे आका, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब खामोश नहीं रह सकती। अनका ने यह कहकर हसरत की एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली। फिर मजीद कुछ कहने से पहले मैंने अनका के पंजों की चुभन अपने सर पर महसूस की। चुभन इतनी शदीद थी कि मेरे नज़रों के सामने अंधेरा फैल गया। मैंने संभलने की कोशिश की, लेकिन अनका के पंजों की चुभन में न जाने क्या जादू था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं दलदल में धंसता जा रहा हूं, नीचे, बहुत नीचे। मुझे पता नहीं फिर क्या हुआ, फिर मैं कहां गया, किधर रहा। मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ तो मैं गनूदगी की कैफियत से बेदार हुआ। मैंने अपनी बोझल आंखें खोल दीं और ये देखकर मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही कि कुलदीप मेरे सरहाने बैठी थी। इसका हसीन चेहरा कमलाया हुआ था और पलकों पर आंसू रक्सा थे। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैंने हड़बड़ा कर अपने अतराफ का जायज़ा लिया। इस वक्त मैं किसी खूबसूरत कमरे में था। जहन पर जोर देने से भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कमरा कहाँ है। मैं आंखें पटपटाता रहा। कुलदीप ने यह कैफियत देखकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिया। मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, तुम मेरे पास कब आई? मैंने कुलदीप से एक साथ बेशुमार सवाल किए। क्या मतलब, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो? कुलदीप ने हैरत से पूछा। हाँ, मैं कलकत्ते में हूँ, मगर इस जगह कैसे आ गया और तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें मेरा पता किस तरह चला? मैंने खाली खाली नज़रों से इसे देखा। उफ़, सदमे ने तुम्हें किस हालत में पहुँचा दिया है, ये कलकत्ता नहीं पूना है। मैंने बड़ी मुश्किलों से तुम्हें तलाश किया है, तुम्हें पाने के लिए मुझे पूरे एक साल न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानना पड़ी है। कुलदीप की आंखों से कुछ और आंसू बह निकले। एक साल, ये तुम क्या कह रही हो, क्या भूल गई? अभी चंद ही रोज़ पहले तो तुम कश्मीर में मिली थी जहाँ मेरी नरगिस मुझसे छीन ली गई, मैं बर्बाद कर दिया गया। इसके बाद मैं कलकत्ते चला गया ताकि अपनी बीवी के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचा सकूँ। इस बात को भी एक हफ्ता भी तो नहीं हुआ, फिर मैं कलकत्ते से पूना कैसे आ गया? तुम्हारे दिमाग पर बहुत गहरा असर है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मुझे क्या मालूम था कि तुम यहाँ हो, मैं तो मुस्तकिल इधर उधर भटक रही थी।
कि भगवान की कृपा से आज तुम मुझे मिल गए। मैं होटलों होटलों तुम्हें तलाश करती रही, जब तुम कहीं ना मिले तो मैं पूना चली आई और कल रात तुम पर अचानक नज़र पड़ गई। रात से मैं यहीं हूँ, तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रही थी। कुलदीप ने इश्तियाक की नज़रों से मुझे देखा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। मैंने मुंतशिर जहन पर जोर दिया तो याद आया कि इस बेहोशी से पहले मैं बंसीलाल की कुटिया में था। अनका ने मुझे इंतकाम लेने से बाज रखने की कोशिश की थी, मैं बंसीलाल से झगड़ पड़ा था। फिर क्या हुआ? मैंने तसव्वुर के आलम में सर पर नज़र डाली तो अनका वहाँ मौजूद थी। इसकी निगाहों में माजरत और खौफ के मिले जुले असरात दिखाई दे रहे थे। मैंने ज़ुबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकाला, इसलिए कि कुलदीप सामने बैठी थी। मगर अनका मेरे दिल में उभरने वाले सवाल ताड़ गई और गुलगीर लहजे में मुझसे मुखातिब हुई। मुझे माफ़ कर दो जमील, मैंने औरों की तरह एक अरसे के लिए तुम्हारे जहन पर मुकम्मल तसल्लत जमा लिया था। अगर मैं ऐसा न करती तो खदशा था कि तुम अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठते। तुमने बंसीलाल के साथ बड़ा शर्मनाक और जारहाना सलूक किया था। कुलदीप ने जो कुछ कहा है वो ठीक है, तुम एक अरसे तक चलते फिरते रहे हो, खुश व खुर्रम रहे हो, मगर इस तमाम अरसे में तुम्हारा जिस्म तुम्हारे पास रहा है, तुम्हारे दिमाग पर मेरा कब्जा था। यानी बंसीलाल के वाक्य को एक लंबा अरसा गुजर गया है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तफसील से बताओ। हाँ, एक साल के करीब, अनका ने सर्द लहजे में जवाब दिया। जब मुझे ये यकीन हो गया कि तुम काली के मंदिर में अपने औसान खो बैठे हो और अब कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे खतरनाक इरादे से बाज नहीं रख सकती, तो मुझे एक ही सूरत नजर आई कि मैं तुम्हारा दिमाग मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लूं, वरना काली के मंदिर से तुम बचकर नहीं निकल सकते थे। इसके बाद मैं तुम्हें मुख्तलिफ शहरों में ले गई, बम्बई, अलाहाबाद, पहाड़ों पर, खेल के मैदानों में, रेस क्लब में। तुम इस पूरे अरसे में बहुत मसरूर और शादमा रहे हो, मैंने तुम्हें हर तरह खुश रखा। रातों को जब तुम गहरी नींद में होते थे तो मैं तुम्हारी गहरी नींद का यकीन करके गाहे गाहे तुमसे जुदा हो जाती थी और किसी न किसी तरह अपनी गजा हासिल करती थी। बहरहाल अब मुझे उम्मीद है कि तुम तहम्मुल से काम लोगे। कुलदीप तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रही है, मैंने बम्बई में इसे पागलों की तरह तुम्हें तलाश करते हुए देखा था। शुरू शुरू में मैं दरगुजर करती रही, लेकिन जब कुलदीप की तलाश और तलब में कोई फ़र्क ना आया तो मैं तुम्हें पूना ले आई और इसे भी पूना आने पर मजबूर किया, और ख़ुद देख लो कि अब वो तुम्हारे सामने बैठी है। तुमने अच्छा नहीं किया अनका, क्या तुम ये समझती हो कि वक्त मुझसे नरगिस का गम छीन लेगा? ये गम तो दायमी है, तुमने मुझे मार ही क्यों ना दिया? ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है, नरगिस के बगैर कैसी ज़िंदगी? वक्त के मरहम से ज़ख़म मुंदमिल हो जाता है जमील, सब्र करो और वक्त के इंतज़ार में रहो। इस वक्त तक के इंतज़ार करो जब तक बद्री नारायण काली के मंदिर से बाहर नहीं आ जाता। तो क्या वो शैतान अब तक मंदिर में ही है? हाँ, और इसे यकीन है कि अगर इसने बाहर कदम निकाला तो इसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। ये इंतज़ार कितना तवील होगा कौन कह सकता है, बहरहाल इसे किसी न किसी दिन तो ज़रूर बाहर आना है। और इस वक्त तक मैं इसके इंतज़ार में दीवाना बना रहूं? क्यों? तुम कुलदीप की तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, एक बड़ी पुरसरार कुवत जिसे हासिल करने के लिए लोग कठिन तपस्या करते हैं और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं, अनका ने तमकनत से कहा। मैं मानता हूं कि तुम एक पुरसरार कुवत हो, लेकिन इस मामले में तुमने क्या तीर मार लिया? तुम भी तो मायूसी की बातें कर रही हो, मैं तुम्हें इस बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं दिल ही दिल में अनका से बातें कर रहा था और कुलदीप मेरे करीब बैठी टकटकी बांधकर मुझे देखे जा रही थी। मुझे देर तक खामोश पाकर इसने दबी जुबान में कहा, जमील, जो कुछ तुम पर गुजरी है इसका मुझे भी बहुत दुख है। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर नरगिस जिंदा होती तो मैं सारा जीवन इसके चरण धो धो कर पीती, परंतु इसका हक कभी न छीनती। तो नाज़रीन, ये थी आज की किस्त, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह निगेबान।